जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रग्स पार्टी में केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फैसला कुछ ही देर में आ सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में फिलहाल सुनवाई रुक गई है। दोबारा 3 बजे से फिर से सुनवाई शुरू हुई और अब इस बीच NCB ने आर्यन समेत 6 आरोपियों को आर्थर जेल रोड और 2 फीमेल आरोपियों को भाईखला जेल में भेज दिया है। जी हां, बता दें कि इससे पहले गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने भी सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि NCB ने 11 अक्टूबर तक सभी आरोपियों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आर्यन खान को जेल जाना पड़ा है। जी हाँ, तो माँ के जन्मदिन के दिन आर्यन खान को लेकर बेहद ही बुरी खबर कि आर्थर जेल उन्हें भेजा गया है। आर्थर जेल में वो अब रहेंगे। अब ये देखना होगा कि आखिर उनके जमानत को लेकर क्या सुनवाई होती है, क्या कुछ जमानत को लेकर सामने आता है, बेल होगी या फिर वो आर्थर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अभी इसको लेकर सुनवाई चल रही है लेकिन उसके बावजूद जेल भेजे गए हैं आर्यन खान। बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेल भेजे गए हैं, उन्हें जेल ले जाया गया है। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सर्वे की रिपोर्ट।